दोहरे हत्याकांड को लेकर विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने कहा, उत्तराखंड की कानूनी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। खटीमा में कुछ दिन पहले महंत स्वर्गीय हरिगिरी जी महाराज एवं उनके सेवादारों की निर्मम हत्या हुई, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई कामयाबी नहीं लगी है। 5 जनवरी को उधम सिंह नगर में बाबा भारामल मंदिर के मुख्य महंत स्वर्गीय हरिगिरी जी महाराज एवं उनके सेवादारों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। अब खबर आ रही कि बीते 2 दिन पहले इस केस के अंतिम चश्मदीद गवाह नन्हे की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, लेकिन अभी भी पुलिस इस मामले में तह तक जाने में नाकामयाब रही है और उसके हाथ खाली रहे। बीते 20-22 दिन के बाद भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है, जिसको लेकर स्थानीय विधायक भुवन चंद कापड़ी ने कहा कि जब साधु संतों की निर्मम हत्या कर दी जा रही है तो आम जनता कहाँ सुरक्षित है। प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द आप इसका खुलासा कीजिए, जो लोग हैं, जो अपराधी हैं, उन्हें जेल के पीछे पहुंचाइए, अन्यथा संत समाज के साथ मिलकर आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी संतों से संवाद करेगी। सब संत डरे हुए हैं, सबके मन में डर का भाव है कि हम प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं। देखिए, नन्हे की मौत पुलिस की लापरवाही, इतना महत्वपूर्ण गवाह पुलिस खुद जब ये कह रही है कि नन्हे एक ऐसा गवाह था जिससे हम इसको खोल सकते थे और नन्हे को ही आपने छोड़ दिया वो बिना सुरक्षा में। इतना बड़ा मामला है, आप जिसमें समझ रहे हैं कि जो अपराधी हैं वो बहुत ही साथी रहे, तो आपने जो चश्मदीद गवाह है जिससे मामला खुल सकता था, आप 20 दिन से उससे पूछताछ कर रहे हैं, उसको आपने छोड़ दिया और सुरक्षा भी नहीं दी और उसकी भी मौत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी लापरवाही है, जिससे मुझे लगता है कि मामला और कठिन है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।